मैं ये कह रहा हूं कि जो देश का जवान फौजी है हमें उस पर गर्व है और हम उस पर मान करते हैं। वो हमारी रक्षा करता है, रात को भी बर्फ में भी वो रात को भी बैठता है और हमें सुरक्षा देता है। हम उसका सत्कार करते हैं, उसका कोई भी देर नहीं दे सकता। और जब भी चुनाव आता है तो जो अटैक होते हैं उसकी हम निंदा करते हैं। जो पहले पुलवामा में अटैक हुआ मैं उसकी आज भी निंदा करता हूं, उस दिन भी की थी, और जो अब अटैक हुआ मैं उसकी आज भी निंदा करता हूं, उसके दिन भी की थी, और जिन्होंने अटैक किया उनकी शनाख्त करके उनको ठोकना चाहिए। ये मैं पहले भी कह चुका हूं, आज भी कहता हूं, और मैं केंद्र सरकार को कहता हूं कि इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए और ना ही मैं करना चाहता हूं। धन्यवाद। सर, शहीद परिवार वाले कहते हैं कि आपका ये जो नहीं देना चाहिए था, क्योंकि आप मैं इस मेरी बात सुनो, मैं फिर कहता हूं, मैं शहीद परिवारों की और शहीदों को सत्कार देता हूं और उनको उन पे हमें प्राउड है। मैं उनकी बात करता हूं जो अटैक करते हैं और जो करवाते हैं, उनकी मैं निंदा करता हूं और उनको ठोकना चाहिए, मैं ये कहता हूं। शहीदों के परिवार वाले कहते हैं कि चन्नी साहब को माफी मांगनी चाहिए। भैया जी, मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं बोला, ना ही कोई बात हुई है। बात को तो रोड़ मरोड़ कर इधर उधर मत करो। मैं सरकार को कहता हूं कि तू इधर उधर की बात मत कर, बता कि काफिला लुटा क्यों। मुझे राहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी पे सवाल है। सवाल ये है कि हमारे फौजियों पे अटैक क्यों होता है, उनको क्यों पहले से इंटेलिजेंस कवर नहीं करती। और मैं आज भी ये कहता हूं कि इस पे राजनीति ना हो, ना ही मैं करना चाहता हूं। धन्यवाद।